हेलो सिंह राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 31 जुलाई तक आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होगी, आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या होगी, उनका अगला कदम क्या होगा, और लास्ट में हम देखेंगे कि आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सिंह राशि। आपके पार्टनर की फीलिंग्स 15 से 31 जुलाई तक आपके लिए क्या होगी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, ड्यू टू रोमांस, ओके सॉरी, एंड शेयरिंग, ओके। देखिए 333 की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए, आपके प्रति। इन 15 दिनों में वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार फील करेंगे, एक फिज़िकल अट्रैक्शन फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन फील करेंगे। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप भी इन दिनों में, इन 15 दिनों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपको अपने आप में ही फील होगी। हो सकता है न्यू हेयर कट आप ले लो, न्यू ड्रेस आप लो, कुछ कहीं आप पार्टी वार्टी में मिलो तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हो। सो ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से वो और ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ इन 15 दिनों में। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर की फीलिंग्स, अगर अब तक उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो एक्चुअली आपसे प्यार करते हैं, एक्चुअली वो आपसे कनेक्टेड है, तो पता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कईयों का रिलेशन चल रहा है, कंटिन्यू है, कईयों के पार्टनर ने अभी तक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है। तो इन 15 दिनों में मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपसे अपने दिल की बात कहने वाले हैं, वो शेयर करने वाले हैं आपसे कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, आपसे आपको कितना पसंद करते हैं और आपको कैसा समझते हैं। एक्चुअली पता है यहाँ पे बहुत प्योर फीलिंग उनके मन में मुझे ये दिख रही है कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव के साथ साथ ही बहुत ही अच्छी प्योर पर्सनैलिटी समझते हैं। तो आपके पार्टनर आपको ये भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ में। यस यस, अगर अच्छा ठीक है, ये मैसेज मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आया है कि अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है, तो यहाँ रिकंसिलेशन के चांसेस होंगे 100% 15th to 31st जुलाई के बीच में, क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो चाहते हैं सॉल्यूशन निकालना, वो चाहते हैं जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको क्लियर करना, ठीक है। और सब लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ नए रास्ते खुलने वाले हैं, आपका जो रिलेशन है वो एक स्टेप आगे बढ़ने वाला है। अगर इतने टाइम तक आप दोनों ने एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं किया था अपना प्यार, तो अब आपका रिश्ता इन 15 दिनों में एक कदम आगे बढ़ेगा। अगर आप फ्रेंड्स थे तो रिलेशनशिप में आएंगे, रिलेशनशिप में थे तो कमिटमेंट में आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको आगे बढ़ाएगी एक दूसरे को लेकर, ठीक है। मन में जो भी बातें थी एक दूसरे को लेकर, वो भी शेयर होने वाली है इन 15 दिनों में, ताकि आपके मन का बोझ हल्का हो जाए और आपके पार्टनर का भी, ठीक है। पेशेंस एंड रिसेप्टिविटी, तो यहाँ पर भी मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ने बहुत टाइम से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मौका आए और वो अपने प्यार का इजहार करें। देखिए वो अपना प्यार का कप लेकर बैठे हुए हैं कि भाई तुम आओ और मैं तुम्हें दूँ इसको। बहुत ज़्यादा इमोशंस कनेक्ट करेंगे वो इन 15 दिनों में आपके साथ। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्योर लव के साथ वो अपने प्यार का इजहार करते हुए आपके पर्सन आपका बेसब्री से इंतज़ार करने वाले हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कमिटमेंट भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपना फ्यूचर लाइफ पार्टनर भी देख रहे हैं आपके अंदर, और वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका कनेक्शन कनेक्ट हो फ्यूचर के लिए। तो हो सकता है कि वो आपसे कमिटमेंट की बात भी करें इन 15 दिनों में। देखते हैं सिंह राशि, आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी आपके पार्टनर को लेकर। सिंह राशि, आपकी फीलिंग्स क्या रहने वाली है। आप भी आगे बढ़ना चाहते हो अपने पर्सन के साथ, लेकिन आप थोड़ा टाइम लोगे,
हो सकता है आपके पार्टनर आपको प्रपोज करे, कमिटमेंट की बात करे, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इन दिनों में आप कहोगे कि यार थोड़ा टाइम लेना चाहिए, डिवाइन पे छोड़ देते हैं, थोड़ा सा सही समय का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि नहीं, आप आगे बढ़ तो रहे हो लेकिन बहुत सोच समझ कर। आप चाहते हो कनेक्शन, कमिटमेंट चाहते हो, फ्यूचर में आप इस पर्सन को अपना पार्टनर देखते हो, लेकिन आप बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। आप यहाँ पर उनसे टाइम मांगने वाले हो और कहोगे कि हम अभी समय लेते हैं, एक दूसरे को और जानते हैं, समझते हैं और फिर डिसाइड करेंगे क्या करना चाहिए। यस, एंजल ऑफ लव एंड रीबर्थ। एंजल ऑफ लव के साथ में रीबर्थ की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि प्यार तो आपके मन में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है कि पास्ट में, मतलब आपका जो पास्ट रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आपके नहीं रहे हैं, तो शायद वो डर आपके मन में है। आपको पता है इस पर्सन पे आपको पूरा विश्वास है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा समय लेना चाहिए अपने प्यार का इजहार करने के लिए, थोड़ा समय आपको चाहिए। सो इन 15 दिनों में मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ, अपने दिल की बात करने वाले हो, अच्छी डेट पे भी जा सकते हो, घूमने जा सकते हो साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओगे, अपने मन की बात भी कह दोगे, लेकिन एक कमिटमेंट की बात जहाँ पर आएगी वहाँ पर आप उनसे अपना समय पूरा मांगोगे, ठीक है। यस, हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन। मैंने कहा ना, खूब पार्टी शार्टी करने वाले हो आप इन 15 दिनों में, इन्जॉय करने वाले हो अपने पर्सन के साथ में, और बहुत अच्छी हीलिंग आपकी यहाँ पर होती हुई मुझे दिख रही है, पर्सनल हीलिंग आपकी हो रही है यहाँ पर। और आपकी तरफ से कुछ न्यू मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ जा सकते हैं जो पॉजिटिव ही रहने वाले हैं कि यस, ये पर्सन मुझे चाहता है या मेरे साथ आगे बढ़ना चाहता है, वो भी इस बात को फील करेंगे। सो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो, एंड हो सकता है कि आपके घर में भी कोई अच्छा सेलिब्रेशन हो जिसमें आप खूब इन्जॉय करो, और अपने पार्टनर को भी शायद आप बुलाओ, या फिर अपने फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स के साथ आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करो, ऐसा भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है सिंह राशि, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, एंड लास्ट है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। मैंने कहा ना, आपके पास्ट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, शायद ये बात आपके पार्टनर भी जानते हैं, या फिर आपका जो डर है मन का कि आप आगे बढ़ने के प्रति डर रहे हो, तो हो सकता है आपके पार्टनर को पता हो कि आप क्यों ऐसा नहीं कर रहे हो या क्यों आप टाइम मांग रहे हो। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझा सकते हैं कि जो बीत गया उसे जाने दो, उससे कुछ सीखो कि किस वजह से ऐसा हुआ है, और उसको अपनी लाइफ में फॉलो करो। आपके पार्टनर एफर्ट्स लगाएंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, वो कहेंगे कि मैं तुम्हारा जब तक तुम चाहो इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। वो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड आपके पार्टनर एक मैसेज और देना चाहते हैं आपको कि देखो, जो बीत गया उसको जाने दो, मुझसे प्यार करना या मेरे साथ आगे बढ़ना तुम्हारे लिए 100% सेफ होगा। जो तुम एनर्जी रिसीव करोगे वो बहुत ही हाइयर एनर्जी होगी, हार्ट वाली, ओपन योर हार्ट। वो कह रहे हैं कि रिसीविंग एनर्जी में भी आओ और प्यार को दो भी और प्यार को लो भी। तुम मेरे साथ सेफ फील कर सकते हो, तुम मेरे साथ सेफ हो, एक्चुअली सेफ हो, आपके पार्टनर यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। आपको उन्होंने अभी तक ये कहा है या नहीं मुझे नहीं पता, बट ये आपके पार्टनर के हिडन फीलिंग्स रहने वाली है। हो सकता है 15 से 31 के बीच में ये जो हिडन फीलिंग्स उनके मन में है वो आपको किसी भी तरह से, किसी भी पॉइंट से वो आपको समझा दें, आपको किसी भी तरह से कोई मैसेज दे दें कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपका जब तक आप चाहे तब तक वो आपका इंतज़ार करने के लिए तैयार है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा सिंह राशि। शादी। ओके, देखिए आपके पार्टनर जो है, अगर आप अलग अलग रिलीजियस से हो, अगर आपकी फैमिली रेडी नहीं होती है, अगर कोई भी आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, वो हर मुसीबत से लड़के आपके साथ आने के लिए तैयार होंगे।
इन 15 दिनों में उनका जो अगला कदम होगा वो ये होगा कि चलो जो चाहे वो कर लो, जितनी हमें स्ट्रगल करना है अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाने में हम कर लेते हैं। मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, अपने आप को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हूँ। अगर उनमें कोई खामियां हैं और वो आपको पता है और आप उन्हें कहते हो कि भाई मैं तुम्हारी इन चीज़ों के साथ नहीं जी सकता या नहीं जी सकती, तो वो अपने आप का भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए तैयार होंगे। बट वो आपको अपना फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ देखते हैं, एंड एस ऑफ कप कहता है कि एक नई शुरुआत वो करना चाहेंगे आपके साथ। हो सकता है थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो और उसके बाद में ये सारी चीज़ें ठीक हो, क्योंकि आप जो कहेंगे उन्हें कि मैं थोड़ा सा इनडिसिव स्थिति में हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए क्या करना चाहिए, तो आपके पार्टनर यहाँ पे आपको एश्योरेंस करवाएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, मेरी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को मैं हटाने वाला हूँ, नेगेटिव मेरे अगर मुझ में कोई ऐसी एडिक्शंस है नेगेटिव तो मैं उसको रिलीज करने वाला हूँ अपनी लाइफ से, लेकिन तुम मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। तो ये उनके अगले कदम होंगे जिस तरह वो आपको कन्विंस करेंगे। ठीक है, लास्ट में हम लेते हैं गाइडेंस। सिंह राशि, आपकी लव लाइफ के लिए आपको क्या गाइडेंस है? Make the change, let them go. Okay. यहाँ पर आपके पार्टनर, देखिए आपके पार्टनर आपके लिए मैंने कहा ना कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे, बट उनको आपसे भी एक्सपेक्टेशंस है। यहाँ पे आपको भी गाइड किया जा रहा है, ये उनकी भी एक्सपेक्टेशंस है और यहाँ पे आपको गाइडेंस भी दी जा रही है कि जो सच में अगर पिछला कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको परेशान कर रही है या आपको उस बात का डर है, या फिर आज चलिए पिछला कुछ नहीं है सपोज़ करो, क्योंकि सबके साथ सेम सिचुएशन नहीं हो सकती, अगर आज आपको ऐसा लगता है कि यार मुझ में कोई चाह ही नहीं है जीने की या फिर कोई मेरी लव लाइफ को लेकर मुझ में कोई चाह नहीं है, तो पता है अपने आप में चेंजेस लाना शुरू करो, मेक द चेंजेस। यहाँ पर ये आपको कहा जा रहा है कि इन 15 दिनों के बीच में कुछ अपने ऊपर वर्क करो, कुछ न्यू ड्रेसेस पहनो, कुछ न्यू मेकअप लेकर आओ अपने लिए, न्यू हेयर कट कराओ, न्यू हेयर कलर करो, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाओ। जो बीत गया उसको जाने दो, उसको लेकर अपने आप को ख़राब मत करो, अपनी बॉडी को ख़राब मत करो। पता है अच्छा वर्कआउट करो, अच्छा डाइट लो, अपनी स्किन पे फोकस करो, अपनी लुक्स पे फोकस करने की कोशिश करो, यहाँ पे कहा जा रहा है। देखिए जस्टिस इज़ कमिंग, अपने आप पता है जस्टिस कब मिलता है? जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं, खुद की केयर करने लगते हैं, खुद पर पूरा फोकस रखते हैं, तो भगवान अपने आप समझ जाता है भाई ये इंसान को खुशियाँ चाहिए लाइफ में, तो वो ही देंगे जो आप चाहोगे। तो यहाँ जो आप मैनिफेस्ट करोगे, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, रो रहे हो बार बार, कुछ अच्छा पहन नहीं रहे हो, कुछ अच्छा खा नहीं रहे हो, अपने लुक्स पे फोकस नहीं है, तो भगवान आपको वो ही देगा। अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे, देखिए अपने आप में बदलाव लेके आओगे तो आपके साथ जस्टिस होगा, 100% होगा। तो यहाँ आपको गाइड किया जा रहा है कि अपने लिए स्टैंड लो, स्टार्ट अ रिवॉल्यूशन, अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप आपकी सारी विशेष मैनिफेस्ट होती चली जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे यार ये सब हो गया कैसे हो गया, पता ही नहीं चला, इस तरह चीज़ें बदल जाएगी। तो किसी एक के होने या नहीं होने से, या कोई एक घटना हमारी लाइफ में अगर ऐसी हो जाए जो हमें बहुत दर्द दे जाए, तो पता है उसको लेकर नहीं बैठा जाता। माना कि उसमें टाइम लगता है उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए, लेकिन अगर आप चाहो तो उस कैसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। तो कोशिश करें कुछ भी हुआ है तो उससे लेसन लें, ताकि वो गलतियां आप दोबारा ना करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, बहुत खुशी के साथ आगे बढ़ें, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, तो सिंह राशि ये थी आपकी रीडिंग 15 से 31 जुलाई की रीडिंग। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।